डियर स्टूडेंट्स, यह आपकी क्लास LKG की इंग्लिश की बुक है। आज हम इसका थर्ड चैप्टर है वॉवेल्स। वॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड दे प्रोड्यूस। इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उनके मतलब साउंड के बेसिस पे। एक है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो जैसा आप लोग जानते हैं, वॉवेल है स्वर और कॉन्सोनेंट व्यंजन इसको कहते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया अल्फाबेट से। और वॉवेल कितने होते हैं हमारे? फाइव होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर फाइव वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। ए फॉर होता है एप्पल, ए वॉवेल है ये। ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर आइसक्रीम, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला। यहाँ पे पिक्चर दी गई है और ये हमारे फाइव वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को लर्न करना है। रेस्ट ऑफ द लेटर आर कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिए गए हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। यहाँ पे पिक्चर दी गई है, पिक्चर की हेल्प से हम चले रीड करते हैं। बी फॉर बैट, बैट मीन्स बल्ला। C for car, car means car. D for doll, doll means गुड़िया। F for flag, flag means झंडा। G for grapes, grapes means अंगूर। H for hat, hat means टोपी। J for jeep, jeep means jeep. K for key, key means चाबी। L for lamp, lamp means lamp. M for monkey, monkey means बंदर। N for nib, nib means nook. P for pen, pen means pen. Q for queen, queen means rani. R for rose, rose means gulab. S for ship, ship means jahaz. T for tree, tree means ped. V for wash, wash means gamla. W for watch, watch means ghadi. X for xmas tree, xmas tree means kismat ka ped. Y for yacht, yacht means nav. Z for zebra, zebra means chitragura. ये आपके कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है जो कि बी से लेके जेड तक है। आप लोगों को इनको अच्छे से मतलब लर्न करना है और समझना है कि कितने वॉवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कौन कौन से हैं। ये आप लोग अच्छे से लर्न करिए और रीड करिए। जो आपकी वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रही है।